नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई क्लीनिंग के बारे में कि ड्राई क्लीनिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है, और साथ ही जानेंगे कि सादा धुलाई और ड्राई क्लीन में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और फ्लैग करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वैसे तो आप सभी ड्राई क्लीन के बारे में जानते होंगे। ड्राई क्लीन में ड्राई का मतलब होता है सूखा और क्लीन का मतलब होता है सफाई, यानी कि सूखी सफाई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ड्राई क्लीन में कपड़ों की सूखी सफाई की जाती है यानी कि उन्हें गीला नहीं किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। देखा जाए तो ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है बिना पानी का इस्तेमाल किए कपड़ों की सफाई करना। ड्राई क्लीन में कपड़ों को साफ करने के लिए पानी और साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें केमिकल सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ड्राई क्लीन में नाजुक या फिर ऐसे कपड़ों की सफाई की जाती है जिन्हें घर पर धोने या साबुन का इस्तेमाल करने से वो खराब हो जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग से इस तरह के कपड़े खराब नहीं होते हैं और लोग ज्यादातर महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीन कराते हैं। दोस्तों ड्राई क्लीन में जिस केमिकल सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो महंगा होता है, लेकिन ये आपके महंगे और नाजुक कपड़ों को बचाने का अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब जान लेते हैं कि ड्राई क्लीन कैसे की जाती है। तो जिस कपड़े की ड्राई क्लीन होनी होती है उसे पहले एक केमिकल सॉल्वेंट में डुबोया जाता है। पर इस लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में ज्यादातर पर क्लोरोएथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे PEC भी कहा जाता है, और ये फ्लैमेबल यानी कि ज्वलनशील नहीं होता है और करीब हर तरह के कपड़ों की अच्छे से सफाई कर देता है। और साथ ही आपको बता दूं कि इसे रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग में कुछ और भी सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ लोग क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े ज्वलनशील होते हैं लेकिन सफाई भी अच्छी करते हैं। दोस्तों पहले जिन मशीनों से ड्राई क्लीनिंग की जाती थी उनमें सॉल्वेंट हवा में उड़ जाता था और इस वजह से हवा भी पॉल्यूटेड होती थी, लेकिन अब जो नई मशीनें आने लगी हैं उनमें सॉल्वेंट को रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको बता दूं कि जो ड्राई क्लीन मशीन होती है उसमें भी वॉशिंग मशीन की तरह ही सफाई की जाती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वॉशिंग मशीन में पानी और डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ड्राई क्लीन मशीन में सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें 10 से 15 मिनट तक कपड़ों को खंगाला जाता है और कपड़े साफ होने के बाद उन्हें निकाल लिया जाता है। इसके बाद उन कपड़ों को ड्रायर के द्वारा सुखाया जाता है और उन पर प्रेस कर दी जाती है, और जो गंदा सॉल्वेंट बचता है वो रिसाइकलिंग मशीन में जाकर साफ हो जाता है और जिसे दोबारा से काम में लिया जा सकता है। दोस्तों कपड़ों को ड्राई क्लीन कराने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि ड्राई क्लीन में कपड़ों के सिकुड़ने या खराब होने का डर नहीं रहता है। कपड़ों का रंग भी खराब नहीं होता है। जो दाग धब्बे सादा धुलाई से नहीं निकल पाते वो ड्राई क्लीनिंग से निकल जाते हैं। साथ ही ड्राई क्लीन कराने से कपड़े ज्यादा चलते हैं और कपड़ों की जो क्वालिटी होती है वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं कि सादा धुलाई और ड्राई क्लीनिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों ड्राई क्लीनिंग और सादा धुलाई में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों को साफ करने के लिए सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सादा धुलाई में पानी, डिटर्जेंट और साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्राई क्लीनिंग के दौरान जो गंदा सॉल्वेंट बचता है उसे रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सादा धुलाई में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि ड्राई क्लीन कराने से कपड़ों का रंग नहीं निकलता है, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। अगर उस कपड़े का रंग ज्यादा कच्चा होगा तो वो ड्राई क्लीनिंग के दौरान भी निकल जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि ड्राई क्लीनिंग से बहुत पुराने या सभी प्रकार के दाग धब्बे साफ नहीं हो पाते हैं, और कुछ दाग धब्बों को एक खास तरह के स्टेन रिमूवर से साफ किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ड्राई क्लीन क्या होती है और ये कैसे की जाती है। दोस्तों क्या आपने कभी अपने कपड़ों की ड्राई क्लीन कराई है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।